नमस्कार दोस्तों, विनय सर 100 चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय कुमार। मैं आज आपको इंसर्ट टेप के अंदर क्विक पार्ट वाले ऑप्शन में क्विक पार्ट में क्लिक करते गए मैं आपको समझाऊंगा सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी वाले ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। इस ऑप्शन का मैं यूज बताने से पहले आप यहाँ पर कुछ पढ़ लीजिए, क्विक पार्ट हाउ टू चेंज इन टू फुल फॉर्म, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है एंड मेरेडियन पोस्ट मेरेडियन और कम्पैक्ट डिस्क। यहाँ पे लिखा है एंड मेरेडियन, यहाँ पे सेकंड में पोस्ट मेरेडियन, तीसरे में कम्पैक्ट डिस्क। तो जो एंड मेरेडियन की फुल फॉर्म है AM और पोस्ट मेरेडियन की फुल फॉर्म है PM और कम्पैक्ट डिस्क फुल फॉर्म है CD। ठीक है, तो ये जो हम सुबह सुबह AM कहते हैं वो AM की फुल फॉर्म है एंड मेरिडियम, मतलब कि जो दोपहर से पहले का समय होता है पोस्ट मेरिडियम, जो दोपहर के बाद का समय होता है पोस्ट मेरिडियम। दोपहर से पहले का समय होता है वो तो AM कहलाया जाता है, और पोस्ट मेरिडियम जो दोपहर के बाद का समय होता है CD, जो हमारे घरों में यूज होती है उसे हम CD यूज करते हैं, जिसमें DVD कैसे वैसे चलाते हैं उसे कहते हैं CD। तो इनकी पूरी फुल फॉर्म मैंने लिख रखी है, ठीक है। तो मुझे इसे कन्वर्ट करना शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं शॉर्ट फॉर्म टाइप करूं और मेरी फुल फॉर्म लिख के आ जाए। तो मैं आपको ये करके बताता हूँ किस प्रकार से होता है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा एंड मेरिडियम AM को, सुबह की जो फुल फॉर्म है, और क्विक पार्ट पे क्लिक करूंगा। क्विक पार्ट पे क्लिक करने के बाद सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पे क्लिक कर देना आपको। क्लिक करते कर यहाँ पे एंड मेरिडियम लिख के आ चुका है, इस पर कट करके आपको बस खाली AM लिख लेना है, कैप्स लॉक के बाद AM AM, ठीक है। AM टाइप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ओके पे क्लिक कर देना है बस। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको पोस्ट मेरिडियम को भी इस प्रकार से करना है, सिलेक्ट करना है PM की फुल फॉर्म को और क्लिक करा, और हमने यहाँ पर सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे PM कर देना बस, और कुछ नहीं करना आपको, PM और ओके पे क्लिक कर देना है। इसी तीसरी प्रकार से इसी कम्पैक्ट डिस्क CD की फुल फॉर्म को इसी प्रकार से करना है, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे CD टाइप कर देना है, CD और ओके पे क्लिक कर देना है। जहाँ पे नेम वाला ऑप्शन है वहाँ पे CD टाइप कर देना है, ठीक है, ओके। तीनों हो चुके हैं, तो ये मैंने तीनों कर दिए हैं। अगर मुझे अब यहाँ पे इनको कट कर देता हूँ, मैं सभी को मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद जैसे मैं CD टाइप करता हूँ, जैसे AM टाइप करता हूँ, मैंने AM टाइप करा, टाइप करने के बाद मैं स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद मुझे AM की फुल फॉर्म ने लिख करी पूरी लिख क्या है, तो मैं इसे AM के बीच में क्लिक करूँगा, बीच में क्लिक करा और F3 वाला बटन, फंक्शन की में ऊपर की साइड कीबोर्ड में F3 लिखा हुआ, वो F3 आपको क्लिक कर देना है। तो देखो AM एंड मेरिडियम लिख के आ गई मेरिडियन। अब मैं टाइप करता हूँ PM टाइप करा और PM के बीच में क्लिक कर लिया, और बीच में क्लिक करना F3 वाला बटन होगा फंक्शन की में F3 जो F1 से F12 तक होती है, वो F3 आपको टाइप कर देना है। टाइप कर दे पोस्ट मेरिडियम आ गया। अगर मैं सब CD के बीच में क्लिक करा, बीच में क्लिक करने के बाद मैंने F3 टाइप कर दिया, F3 तो CD फुल फॉर्म आ गया। तो हम किसी भी शॉर्ट फॉर्म में लिख लें और से इसे फुल फॉर्म में लिख दिया और से सेव वेब टू गैलरी कर दिया, उसके बाद हम कभी भी हम टाइप करें AM PM उसकी फुल फॉर्म चाहिए हमें जरूरत पड़ जाए, तो हम बस खाली शॉर्ट फॉर्म टाइप करें और F3 क्लिक कर दें। जैसे दोबारा से AM क्लिक AM करा, करने के बाद फिर AM के बीच में क्लिक करा और F3 टाइप करते तो फुल फॉर्म होगी। इस प्रकार से फुल फॉर्म का यूज करते हैं। अभी इसमें एक और ऑप्शन है, क्विक पार्ट पे क्लिक करते हैं। क्विक पार्ट पे क्लिक कर गेट मोर ऑन ऑफिस ऑनलाइन। अगर हम किसी चीज के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं जो हमें पता नहीं है, तो हम उस चीज का हम जानते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं गेट मोर ऑफिस ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। गेट मोर ऑन ऑफिस ऑनलाइन, ऑनलाइन हम इंटरनेट से जुड़ जाएंगे और अगर किसी भी चीज की जरूरत है उसकी चीज के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, इसे मैं फुल कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन आ रहा है। इस सर्चिंग के ऑप्शन पे कुछ भी क्लिक कर दो, जैसे CD के बारे में जाना है, CD होता क्या है, और मैंने CD लिखा, CD में सर्च पे क्लिक कर दिया। इस वाले ऑप्शन पे सर्च पे क्लिक करा जैसे, तो यहाँ पे सर्चिंग होके बता दे रहा है, ठीक है, CD के बारे में आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाओ स्क्रॉल करके, यहाँ पर रिजल्ट फॉर CD, यहाँ पे इंस्टॉलिंग ए प्रोग्राम फ्रॉम ए CD माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी, पैकेज ए प्रेजेंटेशन CD USB फ्लैश ड्राइव,
किसी चीज के बारे में पढ़ना है उस पर क्लिक कर सकते हो और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। हाउ टू बर्न फोटो टू सी डी या डीवीडी मैक्स ऑफ कम्युनिटी, हाउ डू ए लोड सी डी फ्रॉम सी डी ड्राइव ऑन ऑन कंप्यूटर विद। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीज आपको दिख रही होंगी। तो ये सारा वर्क आप ऑफिस ऑनलाइन में भी कर सकते हो। ऑफिस ऑनलाइन से बहुत सारी चीज नेट के द्वारा सर्च कर सकते हो। इसको मैं कट कर देता हूँ, मैंने आपको दिखा दिया कैसे ऑफिस ऑनलाइन का यूज करते हैं और मैंने यहाँ पर आपको क्विक पार्ट के बारे में बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।